Assalamualaikum guys, and today is going to be a different video. आज क्या करेंगे? I'm going to try to teach you something. Photoshop का tutorial है. We're going to create this. पहले क्या करेंगे कि we'll take the pictures और उसके बाद we'll move on to how to edit it. Let's start the process. पहले क्या करेंगे कि जो subject है उसको हम क्रॉप कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे बैकग्राउंड से, और हमने एक बैकग्राउंड डालना है और जिस सब्जेक्ट के ऊपर मतलब जो हमारा फोरग्राउंड है उस पर भी हमें एक इमेज डालेंगे ताकि डबल एक्सपोजर का इफेक्ट आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, ये क्विक सिलेक्शन टूल है मेरा और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ W प्रेस करके भी। अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर लें, अगर आपने कीबोर्ड पर शॉर्टकट प्रेस करना है तो आप W प्रेस कर लें। अब मेक श्योर कि आपकी जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्टेड हो, तो इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हम रफ सी इसके ऊपर सिलेक्शन करेंगे, आई एम हैप्पी विद दिस सिलेक्शन। आपने राइट क्लिक करना है, फेदर का ऑप्शन है, इस पे सिलेक्ट करें और ऑलमोस्ट 5 पिक्सल्स को फेदर कर दें और प्रेस इंटर। ये सिलेक्शन होगी हमारी। अब राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी करेंगे। अब ये देखें एक और लेयर बन गई है। अगर हम नीचे वाली लेयर को हाइड करें, देखें हमारी सिर्फ ऊपर जो फोरग्राउंड था जो हमने सिलेक्शन की थी अभी सिर्फ वो विजिबल है। ये जो एजेस हैं हम इनको रिफाइन करेंगे, तो आप सिलेक्ट में जाएं, कलर रेंज प्रेस करें। अब हमने क्या करना है कि ये जो वाइट एरिया ना जो हमने रिमूव करना है, जो बैकग्राउंड का एरिया था, अब ये आई ड्रॉपर टूल है जो आपके माउस में पॉइंटर पे बना हुआ है, आप आई ड्रॉपर टूल लेके जाके ये जो एजेस हैं स्पेशली जो वाइट कलर, इस पर क्लिक करें। तो ये देखें एक रफ सी यहाँ पे एजेस बन गई है। बस हमने देखना है कि अब जैसे इसको फुल करते हैं तो ये काफ़ी कुछ सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन हमने बस देखना है कि बहुत मिनिमम सा जो सिर्फ एजेस हैं वो सिलेक्ट हो। प्रेस ओके करके आपने सिंपल कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबा दें। अब देखें ये काफ़ी रिफाइन हो गया। ये मेरी इमेज है जो मैं बैकग्राउंड में चाहता हूँ। मैं इसको इतना स्केल कर लेता हूँ ताकि ये मेरे कैनवस को मुकम्मल तौर पे फिल कर ले। ये मैं पोजीशन कर लेता हूँ कि मुझे जहाँ पे अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ फाइन। अब क्या करना है, ये जो लेयर है बैकग्राउंड वाली इसको एकदम मैं नीचे ले आऊँगा, तो आप देखें जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऊपर आ गया है। अब थोड़ी सी अजीब सी फोटो लग रही है, तो ये है कि इसकी अगर थोड़ी सी ओपेसिटी कम करें, मेक श्योर कि आपकी जो नीचे वाली लेयर है वो विजिबल हो। ये थोड़ा बहुत ब्लेंड इन हो रहा है। हमने जो फोटो चूज की है जो हम सब्जेक्ट के ऊपर लाना चाहते हैं, जो डबल एक्सपोजर इफेक्ट है, उसके लिए वो फोटो आप फोटोशॉप के अंदर खोल लें। ये मैंने खोल लिया। इसको भी एक तरह से मैं देखता हूँ कि वेयर आई एम हैप्पी विद इट, मेरे ख्याल है यहाँ पे सही है। आपने कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड करना है, देखें एक बॉक्स सा बना रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो अब इसने ये लेयर सेलेक्ट कर ली है मेरी। मैंने सिंपली क्या करना है कि जो ऊपर वाली लेयर है उस पर मैंने क्लिक करना है, और ये एक लेयर मास्क का ऑप्शन है। अगर ये इसको मैं प्रेस करता हूँ तो एकदम देखें उसने उसके मुताबिक काट लिया, लेकिन अब ये कि इसमें मेरा चेहरा वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर मास्क के ऊपर ना ये ब्रश टूल है, इस ब्रश टूल से अगर आप ब्लैक पेंट करेंगे ये इरेज होगा, और अगर वाइट पेंट करेंगे तो ये रिवील होगा एक तरह से। इन एजेस पे ब्लैक पेंट करना है, लेकिन हमने इस तरह से पेंट करना है कि वो काफ़ी ब्लेंडिंग हो। अब जो डिफॉल्ट ओपेसिटी है यहाँ पे ब्रश की वो 100% है, लेकिन हम इसको थोड़ी सी कम करके अबाउट हियर 31% करके ब्रश का साइज बड़ा करके, तो हम हल्का हल्का इस पर पेंट करेंगे ताकि जो मेरा चेहरा है वो रिवील हो। ये एजेस हैं इनको भी मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ। आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस राइट नाउ। एक तो ये कि ये बहुत सैचुरेटेड है मेरा चेहरा, तो मैं एक ये ह्यू और सैचुरेशन की लेयर बना के इस पे क्लिपिंग मास्क बना के इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन कम कर रहा हूँ। इस इमेज के कलर्स चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एक और ह्यू सैचुरेशन की बना के लेयर क्लिपिंग मास्क बना के मैं ह्यू चेंज करूँगा, तो आप देखें उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं।
और ऑलमोस्ट अबाउट ये कलर था जो पसंद आया था। अब टोटल इमेज के हम जो कलर्स हैं वो थोड़े सैचुरेट करेंगे, तो एक और ह्यू सैचुरेशन की लेयर बना के सिंपली इसकी सैचुरेशन बढ़ा दें जहाँ तक आपको बेहतर लगे। अब ये देखें मेरा जो चेहरा है वो वापस अपनी ओरिजिनल लुक में आ रहा है, उसकी सैचुरेशन थोड़ी सी और कम कर दे तो जहाँ तक मुझे पसंद आ रही है। और दिस इज़ द फाइनल इफेक्ट, ये काफ़ी ईजी इफेक्ट है। I hope you guys enjoyed and stay tuned for more videos like these and do leave your comments कि अगर आपको ऐसी videos अच्छी लग रही हैं या आपका क्या feedback है उन पे, और please let me know if you learnt anything. So till next time, assalamu alaikum.